तो हेलो गाइस, मैं हूं जितेन और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक रिएक्शन जो कि है कॉस्टिक सोडा और एल्युमिनियम फॉयल का। कॉस्टिक सोडा और एल्युमिनियम फॉयल को एक साथ मिक्स करने से जो रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और इस रिएक्शन के बारे में मैंने पढ़ा था स्कूल में जब मैं था। तो कॉस्टिक सोडा और एल्युमिनियम फॉयल को एक साथ मिलाने के बाद जो रिएक्शन होता है उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बहुत ही हल्का है और हल्का होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये गैस एक फ्लेमेबल गैस है। तो इसी वजह से कभी मैंने इसको स्कूल लाइफ में ट्राई करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आज मैं इसको ट्राई करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस रिएक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगा एक कांच का बोतल, इसमें प्लास्टिक बोतल का यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस रिएक्शन के वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है और हीट के वजह से बोतल फटने का भी चांस रहता है, तो इसीलिए हम कांच का बोतल का यूज़ करेंगे। और कॉस्टिक सोडा चाहिए और एल्युमिनियम फॉयल चाहिए, लेकिन मेरे पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो उसके बदले में जो दवाई का पैकेट आता है वो भी एल्युमिनियम से ही बना होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम रिएक्शन होगा। तो चलिए अब इसको बना कर देखते हैं। तो अब इस बोतल में एक चुंगी की मदद से पहले थोड़ा कॉस्टिक सोडा डाल लेते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें कॉस्टिक सोडा डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद जो एल्युमिनियम है मेरे पास एल्युमिनियम, तो उसको डालेंगे। जो दवाई का पैकेट था मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है छोटे छोटे ताकि बोतल के अंदर डालना आसान हो। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं अब इसमें। कॉस्टिक सोडा यह है उसके साथ पानी ऐड करने के वजह से थोड़ा हीट हो गया, अभी से ज़्यादा हीट होने लगा है। तो चलिए अब इसमें जो एल्युमिनियम का टुकड़ा है इसको एक एक करके डाल देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें रिएक्शन शुरू कर दिया है और ये जो बोतल है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, इसको पकड़ना भी मुश्किल है। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस एक फ्लेमेबल गैस है तो इसमें आप आग लगा के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें आग जल रहा है, पता नहीं कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं, तो चलिए कंफर्म होने के लिए इसमें एक पेपर दे के देखते हैं कि आग जलता है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं इससे आग जल रहा है। आग जल रहा है मतलब ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो गाइस अभी 5 मिनट हो गया और अभी भी इसमें रिएक्शन चालू है, उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि एल्युमिनियम जो है लगभग ख़त्म हो गया और आप देख सकते हैं अभी पूरा काला हो गया। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन, कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।